स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक बड़ा सा मैदान है। उस मैदान में बैठे हजारों लोग एक इंसान को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। स्टेज पर माइक के आगे वोट के लिए सफेद पोशाक में खड़े नेताजी लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। उनके भाषण का सबसे पहला प्रहार उन गरीब तबके के लोगों को चोटिल करता है जो दाने दाने के लिए इनका मुंह ताकते हैं। दोस्तों, इनके लिए वो मुफ्त अनाज बांटने का जुमला फेंकते हैं। दूसरा प्रहार उन युवाओं पर है जो बेरोजगारी के नाम पर हर ओर धक्का खा रहे हैं। और तीसरा प्रहार एक ब्रह्मास्त्र है जो कि महिलाओं के ऊपर निशाना साधता है, और इस ब्रह्मास्त्र का नाम है महिला सशक्तिकरण, जिसको बढ़ावा देने के नाम पर मुफ्त बस सेवा का चुनावी जुमला फेंका जा रहा है। देखिए, वैसे तो चुनावी मैदान में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का चलन कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों से मुफ्त बस सेवा ने काफी ज्यादा वाहवाही पाई है। हालांकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा प्रोवाइड की जा रही इन फ्री बस सर्विसेज को जहां एक और महिला सशक्तिकरण से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसके नेगेटिव इकोनॉमिक बर्डन की बात भी सामने रखते हैं। मगर इन सब के बीच ही दिल्ली के नक्शे कदम पर चलते हुए रिसेंटली तेलंगाना ने भी महिलाओं को सशक्त करने का बीड़ा उठाते हुए फ्री बस सेवा की शुरुआत की है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि क्या सच में फ्री बस सेवा से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है, या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला भर है? इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, और इस सेवा की वजह से उन राज्यों के अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है जहां पर ये सेवाएं दी जा रही हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्री बस सेवा से महिला सशक्तिकरण को मिलने वाले बल की ग्राउंड रिपोर्ट की हकीकत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, टॉपिक जीएस पेपर फर्स्ट के विमेन एम्पावरमेंट एंड एसोसिएटेड इश्यूज, और जीएस पेपर टू के गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, और जीएस पेपर थ्री के इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रेवल स्कीम 3 जून 2019 को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई, जिसके तहत सरकार दिल्ली मेट्रो और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी DTC बसेस में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा को स्पॉन्सर्ड करेगी। इसके बाद तो मानो एक सिलसिला सा शुरू हो गया, जहां पंजाब के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह गिल ने दिल्ली की देखा देखी में अप्रैल 2021 में एक ऐसी ही योजना शुरू की, जिसके तहत पंजाब की महिलाएं राज्य की सभी नॉन एसी इंटर स्टेट गवर्नमेंट बसेज में फ्री में यात्रा कर सकती हैं। इसी तरीके से तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने भी साल 2021 में बेसिक फेयर वाली गवर्नमेंट बसेज में महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा की अनाउंसमेंट की। साल 2023 में कर्नाटक सरकार ने पावर प्लान के तहत 11 जून से सभी महिलाओं के लिए फ्री बस राइड लॉन्च की। इसके तहत महिलाएं एसी बसेस को छोड़कर राज्य में कहीं भी बस में ट्रेवल कर सकती हैं। इसके बाद साल 2023 के दिसंबर महीने में ही यूपी गवर्नमेंट ने भी 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए विमेन फ्री बस सर्विस की शुरुआत की, और अब उसी राह पर चलते हुए तेलंगाना ने भी महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना के तहत सभी एज ग्रुप्स की महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए फ्री बस ट्रेवल की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि लग्जमबर्ग दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने साल 2020 में सार्वजनिक परिवहन को सार्वभौमिक रूप से सभी के लिए मुफ्त कर दिया। फिर चाहे वो देश के नागरिक हो या पर्यटक, उनके लिए सभी सार्वजनिक वाहन फ्री थे। देखा जाए तो पहली नजर में मुफ्त टिकट का विचार कोई बहुत बड़ा कदम नहीं लगता, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर जाकर देखेंगे तो महिला सशक्तिकरण को इससे बल जरूर मिलता है। इसी योजना की वजह से महिलाओं की स्थिति का उत्थान हुआ है। भारत में जहां लड़कियों को स्कूल से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि माता पिता उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं करना चाहते, और आमतौर पर पैट्रियार्कल सोसाइटी के चलते उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने, अपने जुनून को पूरा करने के लिए ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी जाती है। दोस्तों, ये योजना एक समाधान प्रदान करती है, क्योंकि अगर हम हर महीने और हर साल बचत को देखें तो ये डेफिनेटली महिलाओं के लिए जरूरी कदम साबित होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई महिला हर महीने 20,000 रुपए कमाती है, लेकिन अपनी नौकरी पर जाने के लिए बस सेवा पर हर महीने 2,500 रुपए खर्च करती है, तो ये योजना उसे पहले खर्च की गई आय का 12.5% बचाने में हेल्प करती है। साथ ही बजट का एक छोटा सा हिस्सा बच्चियों के अध्ययन करने, अपना कैरियर बनाने या अपनी जरूरतों के लिए यात्रा करने की आजादी देता है, और इसलिए फाइनेंशियल बर्डन अब उनकी प्रगति में रोड़ा नहीं बन रहा है, बल्कि स्कीम सुनकर सोशल इंक्लूजन, बेटर अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन और समाज में विमेन एम्पावरमेंट को सुनिश्चित कर रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग पास का सफर तय करने के लिए ट्रेनों की बजाय बसों को प्रायोरिटी देते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि बसें अधिक बार आती जाती हैं, और ये देखा गया है कि इसके चलते कई महिलाएं ट्रांसपोर्टेशन के रिसोर्स के रूप में बसों को चुनती हैं। इस तरीके से पहल महिलाओं को बिना किसी किराए के यात्रा करने में मदद करती है, और बदले में परिवार पर पारिवारिक बोझ भी कम करती है। देखिए, क्योंकि अगर फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो कि डिप्राइव्ड लोगों में आम है, तो इससे सबसे पहले महिलाएं प्रभावित होती हैं। साथ ही घरेलू आमतौर पर इकोनॉमिक हेल्प के लिए वो अपने हस्बैंड या घर के मर्दों पर डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि अब कोई किराया नहीं है, इसलिए महिलाएं भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का आनंद ले रही हैं और अपने एजुकेशनल पर्पसेस और जॉब की पॉसिबिलिटीज के लिए ट्रैवल कर रही हैं। साथ ही इन स्कीम्स द्वारा महिलाओं को मिल रही सुविधाओं की वजह से फीमेल ट्रैवलर में हो रही बढ़ोतरी से महिलाओं के भी सुरक्षा का माहौल बना रहेगा, जो कि दूसरी महिलाओं को उन सेवाओं का आनंद लेने के लिए सशक्त बनाएगा जिन्हें आमतौर पर असुरक्षित माना जाता है।
दोस्तों डेटा से पता चलता है कि साल 2021-22 में लगभग 3 करोड़ महिलाओं ने इस फ्री बस सेवा का लाभ उठाया है। इस योजना के बाद साल 2021 में दिल्ली की बसों में महिला सवारियों की संख्या में 10% की ग्रोथ देखी गई है, जबकि चेन्नई के डेटा से पता चलता है कि साल 2021 में इस योजना के एग्जीक्यूशन से महिलाओं की सवारियों में 40% से 61% तक की ग्रोथ देखी गई है। दोस्तों इस योजना के दूसरे फायदे की चर्चा करें तो इस स्कीम की वजह से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आजकल महिलाएं इंडिपेंडेंट हो रही हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए अधिक से अधिक संख्या में आगे आ रही हैं। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल आईएएस की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा, साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। दोस्तों अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए जीएस फाउंडेशन के हमारे P2I बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करके 70,000 तक के प्राइस वाले स्कोर्स को मात्र 24,999 में ही अवेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर कॉल करें या वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखा जाए तो भारत के लिए ऐसा होना इसलिए भी लाभकारी है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक महिला श्रम शक्ति में भारत 131 देशों में 120वें स्थान पर है और औसत भागीदारी दर 23% है। दोस्तों भारत में रोजगार के विकल्प पहले से सीमित है और यहां तक कि महिलाओं द्वारा प्राप्त प्रस्ताव या अवसरों को भी वे निवास और नौकरी के स्थान के बीच की दूरी के चलते ठुकरा देती हैं, जिससे यात्रा पर होने वाले खर्च के चलते नौकरी अप्रभावी हो जाती है। लेकिन इस योजना के चलते महिलाओं से किराया नहीं लिया जाता और इस तरीके से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और यहां तक कि वे काम के बदले अलग अलग स्थानों की यात्रा कर सकेंगी और अपने लिए बेहतर नौकरी के अवसर ढूंढ सकेंगी। दोस्तों इसका परिणाम ये हुआ कि महिला रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी के चलते खुद को एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रख रही हैं। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाली कई महिलाएं अपनी कम आय के चलते क्वालिटी केयर सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं है क्योंकि चेकअप और अपॉइंटमेंट के लिए रेगुलर बेसिस पर एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा पर होने वाला खर्च परिवार के बजट को अनबैलेंस्ड कर देता है। ऐसे में योजना सुनिश्चित करती है कि महिलाएं कम से कम खर्च के साथ भी महिलाओं को क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल सके और इससे उनके स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति सुनिश्चित हो सके। ऐसे में हम देख सकते हैं कि फ्री सर्विसेज महिलाओं की एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ यानी कि तीनों एस्पेक्ट से उन्हें एम्पावर करने का काम कर रही हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि इस योजना से महिला सशक्तिकरण को तो बढ़ावा मिला है, लेकिन इस योजना को लेकर हमारा संविधान क्या कहता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों इस योजना की संवैधानिकता की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, जिसके मुताबिक कानून हर किसी के लिए समान रूप से लागू होता है और राज्य किसी भी व्यक्ति के पक्ष में भेदभाव या स्पेशल प्रिविलेजेस प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन यही आर्टिकल सोसाइटी के डिफरेंट क्लासेस के बीच की खाई को मिटाने और समाज से असमानताएं दूर करने के लिए सरकार को किसी स्पेशल क्लास के लिए उनकी स्थिति और लोगों के कल्याण के आधार पर स्पेसिफिक एक्ट बनाने की अनुमति भी देता है। यही वजह है कि समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में सिर्फ महिलाओं को ही शामिल किया गया है जबकि पुरुष इससे बाहर हैं। इस योजना को आर्टिकल 14 के मुताबिक ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता क्योंकि इस मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव इस धारणा पर आधारित है कि महिलाएं असुरक्षित हैं और पुरुषों की तुलना में संसाधनों तक उनकी पहुंच कम है। और यही वजह है कि स्कीम बस में महिला सवारियों की संख्या में वृद्धि के कारण महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थिति बनाने के लिए प्रस्तावित की गई है और इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि योजना महिलाओं को कुछ हद तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना रही है। दोस्तों एक और पहलू जो तस्वीर में सामने आती है वो ये है कि हर महिला को फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनमें से कुछ इतनी संपन्न है कि वो सेवाओं के लिए भुगतान कर सकती हैं और सरकार ने कहा है कि जो टिकट का खर्च उठा सकता है वो उस कीमत का भुगतान कर सकता है। इसके साथ ही आर्टिकल 15 में ये मेंशन है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान इनमें से किसी के भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन खंड 3 में ये भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। देखा जाए तो इस धारा के अस्तित्व के पीछे तर्क यह है कि सरकार महिलाओं के लिए विशेष रूप से कानून पेश करे ताकि उन्हें पुरुषों के बराबर लाया जा सके और उन्हें अपने लिंग के कारण अपने जीवन में किसी भी कठिनाई या भेदभाव का सामना न करना पड़े। दोस्तों इस योजना को आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 के अनुरूप मानने पर यह संवैधानिकता की कसौटी पर खरी उतरती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये महिलाओं के लिए बनाया गया एक स्पेसिफिक प्रोविजन है जो उनके सशक्तिकरण में मदद करता है और सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने का काम करता है। दोस्तों ये तो हुई इस योजना की संवैधानिकता की बात।
लेकिन आइए इस योजना के हम इकोनॉमिक वायबिलिटी को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, भारत की आर्थिक स्थिरता केंद्र और राज्यों की व्यापक आर्थिक स्थिरता पर निर्भर करती है, लेकिन मौजूदा सिचुएशन राज्यों की आर्थिक स्थिति की चिंता को बढ़ा रही है। दिल्ली से लेकर पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना राज्य पर मुफ्त बस सेवा शुरू करने की वजह से अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने अपनी मुफ्त बस यात्रा पर 484 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं, जबकि 48 करोड़ से अधिक लोग अब तक इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं। इसमें कहा गया कि पिछले साल 24.43 लाख से अधिक महिलाओं ने सिटी बसों में मुफ्त यात्रा की। देखा जाए तो दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 6,900 बसें हैं। दिल्ली सरकार ने 6,900 सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम और DTC बसों का अब तक 480 मिलियन महिलाओं ने इसका लाभ उठाया है, जबकि साल 2021 में 240 मिलियन से अधिक महिलाओं ने मुफ्त यात्रा की। इसके अलावा हर बस में मार्शल ने यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को और सुनिश्चित किया है। दोस्तों, इसी तरह अगर पंजाब में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना की शुरुआत के पहले साल में राज्य के खजाने में 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जब योजना शुरू की गई थी तो इससे राज्य भर में 1.31 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद थी। दोस्तों, जनगणना साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब की जनसंख्या 2.77 करोड़ थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,46,39,465 और महिलाओं की संख्या 1,31,03,873 है। राज्य महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा पर निर्णय लेने में असमर्थ रहा है। इससे सरकारी खजाने पर हर साल 550 करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राज्य की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कोई भी रोडमैप दिखता नजर नहीं आ रहा है। अगर हम सभी सब्सिडी और मुफ्त सुविधाओं और कमिटेड एक्सपेंडिचर, डेट सर्विसेज, इंटरेस्ट पेमेंट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विसेज को ध्यान में रखते हैं तो ये बजटरी रेवेन्यू का 116% कंजम्पशन करता है। दोस्तों, पिछले साल बजटरी रेवेन्यू 95,000 करोड़ था और कलेक्शन 78,000 करोड़। इससे कहीं ना कहीं पंजाब की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। देखा जाए तो कर्नाटक का हाल भी कुछ ऐसा ही है। भले ही सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त बस सेवा को शुरू किया है, लेकिन इससे सरकार की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा है। दोस्तों, कर्नाटक में KSRTC और BMTC समेत चारों निगमों में 22,000 से 23,000 बसें चलती हैं और रोजाना 82 लाख से अधिक यात्री यात्रा कर रहे हैं। इससे हर दिन लगभग 22 से 24 करोड़ रुपए की आय होती है। अब महिला यात्रियों को फ्री सर्विसेज मिलने से आय में 50% की गिरावट, आय का आधा हिस्सा खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं तमिलनाडु में भी अधिकारियों के मुताबिक फ्री बस सेवा से हर दिन 41.8 लाख से अधिक महिला यात्रियों को लाभ होगा और राज्य के खजाने पर अनुमानित। हालांकि तेलंगाना की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल की शुरुआत हो गई है। दोस्तों, PTI की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य ट्रांसपोर्टर महिला यात्रियों से हर साल लगभग 2,500 करोड़ रुपए कमाता है। इस योजना को लागू करने के लिए कांग्रेस सरकार को निगम को उतनी ही राशि की क्षतिपूर्ति के रूप में देनी होगी, जिस पर वर्तमान में 6,000 करोड़ रुपए का घाटा है। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार इसका बोझ कब तक उठाती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा देश ऐसा देश है जहां पितृसत्ता का एक लंबा इतिहास रहा है और अब भी हम पुरुषों के आधिपत्य को ही देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई महिलाएं स्वतंत्र मजबूत हो रही हैं और मेंस के साथ कंपटीशन कर रही हैं, लेकिन अभी भी भारतीय समाज में कई बुराइयां मौजूद हैं जो महिला सशक्तिकरण में बाधा बन रही हैं और महिलाओं की सुरक्षा उनमें से एक है। ये सच है कि केवल फ्री बस ट्रैवल प्रदान करने से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है और राज्यों को इस मुद्दे से निपटने के लिए और अधिक नीतियों का मसौदा तैयार करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, पर गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल बर्डन जैसे कुछ दूसरे पार्शियल एस्पेक्ट्स को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, आप किस पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है हमारा आज का मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका जवाब भी आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।